नमस्कार भारत 360 को आपण मानक स्वागत करुछि मु बन्दिता आसबा संपूर्ण खबर को भारतीय सेना रे महिला को नै सुप्रीम कोर्ट को बड़ फैसला सेना रे भारतीय महिला को विजय सेना रे एबे कमांडिंग ऑफिसर होई पारिबे महिला सुप्रीम कोर्ट एनी गुरुत्वपूर्ण राय देइछंती जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एवं जस्टिस अजय रस्तोगी को बेंच एई राय देइछंती तबे स्थल सेना रे महिला को पई एक स्थायी कमिशन रहिबो सेना रे महिला अधिकारी को नियुक्ति एक विकासशील प्रक्रिया हेबो बोली कोर्ट कहिछंती तबे सुनानी बेले कोर्ट केन्द्र सरकार को भर्त्सना दिल्ली हाईकोर्ट राय को केन्द्र सरकार कार्यकारी करसना कर सर्वोच्च कोर्ट सेनारे उभय पुरुष और महिला को समान अधिकार सपक्षे कोर्ट मत रखिंट पुरुषों भली महिला निजुक्ति भी लागू हेबो समान नियम तीन मस मधे निष्पत्ति कार्यकारी करने को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देते शारीरिक और सामाजिक आधार में वंचित हे ना महिला दिल्ली हाईकोर्ट राय को विरोध कर सुप्रीमकोर्ट जा केन्द्र सरकार ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है और इस फैसले के बाद सेना में और सेना के बाहर जितनी भी बच्चियां हैं जो आना चाहती हैं ज्वाइन करने के लिए सबके लिए कई रास्ते खुलेंगे उनको एक परफेक्ट करियर मिलेगा इसके अंदर जो आगे बढ़ना चाहे जो ज्वाइन करना चाहे वो खुले दिल दिमाग से ज्वाइन कर सकता है परमानेंट कमीशन में आपको पूरी जो एक नौकरी है उसको करने का प्रॉब्लम शॉर्ट सर्विस कमीशन परमानेंट का नहीं था लेकिन जो कारण दिए जा रहे थे कि हम नाकाबिल हैं हम उसके खिलाफ लड़ रहे थे हमारी लड़ाई इसलिए नहीं थी कि कई महिलाएं हैं जो छोड़ना भी चाहेंगी सबको परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए लेकिन जेंडर के आधार पे हमको ये कह देना कि हम नहीं कर सकते उस काम को ये उस रास्ते को बंद कर देना हमारे लिए इसके उसमें हम खड़े थे कमांडिंग पोजीशन कोई एक वैसी चीज नहीं है कि आज कोर्ट ने अनाउंस किया और कल दे दिया आपको कोई भी महिला अधिकारी फॉर दैट मैटर नहीं महिला अधिकारी नहीं कोई पुरुष अधिकारी भी है उनके कई मापदंड होते हैं जिसपे उनको खरा उतरना पड़ता है तो हम ये चाहते हैं कि आप औरतों को भी ट्रेन करिए लॉन्च करिए वुमेन ऑफिसर्स को और अगर वो मापदंड पे खरी उतर रही हैं तो उनको मौका जरूर दिया जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए इस फैसले के आ जाने से आज एक रास्ता बहुत ही क्लियर हो गया है उनको डायरेक्शन मालूम है कि किस तरीके से शुरू से आकर ही मेहनत करके अपनी मुकाम को हासिल करना है ये फैसला सही मायने में जो वुमेन एम्पावरमेंट है महिला सशक्तिकरण है उसका सही नमूना है और उस नमूने में साफ दिखाई देता है कि कोर्ट ने किस तरीके से काम किया और महिला ऑफिसर्स के लिए काम किया हम इसकी बिल्कुल स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिखा दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी दोहरी नीति है और कितनी गलत समझ है वो कुछ कहते हैं और करते कुछ है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ वो गए और आर्ग्यू किया लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी को हमारी डिफेंस फोर्सेज में भी लागू किया आज जो जजमेंट प्रकाश पाई छे सुप्रीम कोर्ट रे सेथिरे এই যে পার্মানেন্ট কমিশন কথা কোয়া যাচ্ছি পূর্বর মধ্যে পার্মানেন্ট কমিশন মহিলা মানুষ দিয়া যাওয়া যেটা কি আর্মি নেভি এয়ারফোর্স র মেডিকাল এডুকেশন এবং জজ আডভোকেট জেনারেল এই ব্রাঞ্চ রে তাকে স্থায়ী কমিশন দিয়া যাইছি দিয়া যাওয়া এবং দিয়া যাবার মধ্যে বন্দোবস্ত রয়েছে কিন্তু আজ যে জজমেন্ট প্রকাশ পাইছি সেথিরে স্থল সেনার যে ফাইটিং আর্মস অছি ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦବା ଲାଗି ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଜଜମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ 19,000 ଫୁଟ ଉପରେ କି 20,000 ଫୁଟ ବରଫ ଉପରେ ଜଣେ ଲେଡିକୁ ବରଫ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ କେବେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ନୁହେଁ ଏଇଟା କହିବା ମାନେ ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଡେଞ୍ଜର ପୋଜିସନରେ ସେମିତି ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁନୁ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ଯଦି ହୁଏ ଜଣେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ତାଠୁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ୱାର୍ଲଡରେ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ ଲୋକ ବା କୌଣସି ବି ସେଭଳିଆ ପେନ୍ ନେଇପାରିବନି ସେଭଳିଆ କଷ୍ଟ ନେଇପାରିବନି ଯିଏ ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ ନେଇପାରୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ
ଆମେ ବହୁତ ଜୁନିୟର ପୋଜିସନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଏହି କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଏହି କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ରହିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମାଜରେ ମନୋଭାବ ଅଛି। ଯୋଉ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଜି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା, କାହିଁକି ନା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ, ବହୁତ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନିସନ ସେମିତି ମିଳେନି ବା ସେମିତି ସେମାନେ ସିନିୟର ଲେବୁଲକୁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମର ବସ୍ ଭାବରେ ବା ଅଥରିଟି ଅଥରିଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଥରିଟି ବା ବସ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଆମେ କେବେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପରିସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ପୋଜିସନିଂରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନେ ନାସା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ। ସ୍ଥଳସେନାରେ ରହିବେ ମହିଳା କମାଣ୍ଡର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କିଛି ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶୀଲ। महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हमारे साथ तमाम जो महिला मेजर आर्मी हैं, जिनकी लड़ाई थी हाई कोर्ट से लेकर, आप देख सकते हैं ये तमाम जो मेजर्स हैं जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी हैं कि स्थायी कमीशन हो। मैम, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? We are extremely ecstatic about it. We're thankful to the judiciary. We're really thankful. We're very happy with the decision, and it is going to uplift the army of women everywhere. तो ये फिलहाल तमाम वो मेजर्स थी जिनकी लड़ाई थी कि आर्मी में उन तमाम महिलाओं को समान स्थायी कमांड पोस्ट मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में इस फैसले को लागू करने के लिए कहा है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उन तमाम महिलाओं को यह एक बड़ा अधिकार मिलना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେବ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍। ହେଲେ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.16% ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା 7.9%। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଥିବାରୁ GSDP କମିଛି। ଜାତୀୟ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କମିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେବ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଉଲ୍ଲେଖ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.16% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା 7.9%। ତେବେ ଜାତୀୟ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କମ୍ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେପଟେ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ 18,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ଭାର 18,497.58 ପହଞ୍ଚିଛି। 2019 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର 84,676.35 କୋଟି ରହିଛି, ଆଉ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଋଣ ଭାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି 1,05,526.86 କୋଟି ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ଭାର 18,497.58 ପହଞ୍ଚିଛି। 2019 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର 84,676.35 କୋଟି ରହିଛି, ଆଉ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଋଣ ଭାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି 1,06,526.86 କୋଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ 18,000 ଟଙ୍କାର ଋଣର ବୋଝ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ଭାର 18,497.58 ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଋଣ ଭାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଋଣ ବଢ଼ିବ, ଋଣଭାର 1,06,526.86 କୋଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆଜି ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି, ଫଳରେ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଖରାପ ସେ ଅଧିକାର ବିଧାନସଭା ସଚିବ କି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାହିଁ, ଲଟେରୀ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସିଏ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହେଉନାହିଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉଛି, ବାଚସ୍ପତି ଏନେଇ ରୁଲିଂ ନ ଦେଲେ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅମରପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି। ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡିୟର୍ସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଗୁପ୍ତକଳା ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା କଥା, ତାହା ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଲଟେରୀ ବା ଗୁପ୍ତକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ଫେବୃଆରୀ 17, 2020। ଏ 2020 ଆଜିକାର ଦିନରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଇଛି ଡେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଦିନ ଦେବା କଥା ଏବଂ ଲଟେରୀ ଯେଉଁଦିନ ହେବା କଥା ଲଟେରୀ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଥା ଆଜି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସବୁଦିନ ପାଏ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି 3 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। କେଉଁଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଲଟେରୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଲଟେରୀ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଯେଉଁଦିନ ଲଟେରୀ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେହିଦିନ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲଟେରୀ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଲେଖିକରି ଦେଇପାରିବେ ସେଦିନ, ଆଜି କାହିଁକି ଲଟେରୀ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଥବା ଆମର ଏଥିରେ ସହମତି ନାହୁଁ, ଛିଡ଼ିଗଲା ତ ଛୋଟିଆ କଥା। ଇଏ କଥା କହିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁଲ୍ସ ପ୍ରୋସିଡିୟର କଣ୍ଡକ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ ୱେଲେ ଇଏ କଥାରେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଲିୟର 14 ଯେଉଁଠି ଥାଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମର ବିଧିରେ ଅଛି ସେ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ନ ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ। ମହେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି, ଯାହାଫଳରେ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ। ମହେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ରହୁଛି ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଯାଏ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏକ ଯୋଉ ଲଟେରୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆମ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଛି, ଯାହା ଗୃହ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯିଏ ନେତା ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାପରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ତୋଫାନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଫଟୋ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା ଉଠେଇଥିଲେ ତାକୁ ହଟାଯାଉ। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଉଠେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାର ଉପରେ ଆଣି ଆଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜନେତାକୁ ଏବଂ କିଭଳି ଲୁଟ୍ ହଉଛି ଏବଂ ସିନ୍ଧି ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଏଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ବଢିଛି, ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଉଠେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଦେବ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ନେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବିଲକୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କର, ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 3ଟା ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେସବୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ, ସେହିପରି ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 1ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। SC/ST ବିଭାଗର 1ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସକାଳ 9:45 ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 1ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ SC/ST ବିଭାଗର 1ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମା ଝିଅ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ତନାଘନା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲେରୋ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ଦ୍ଧନ ଟପୋକୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରିବା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଅନୁପ ତାଙ୍କ ବୋଲେରୋ OR02AY8596କୁ 2016 ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁହାଯାଉଥିବା ସୁନୀଲ କୁମାର ସାଏଦେଓଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା 2017 ଜୁଲାଇରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଗୁଜରାଟ ନେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର RTOରୁ NOC ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଗାଡ଼ିଟି ଗୁଜରାଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନି ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଜୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଏଥିସହ ପୋଲିସର 2ଟି ଟିମ୍, ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଅନୁପଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ଦ୍ଧନ ଟପୋକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ଡେମୋ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହେପାଜତରେ ଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେପଟେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜ ସହ କିଛି ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇକି ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଗଲ ତିୱାରୀ। ଯୁଗଲ ଜୀ, ଜାନା ଚାହତେ ଅଭି ଅଭିକା କରେଣ୍ଟ ଯୋ ସିଚୁଏସନ୍ କୁ ଦେଖ କେ କୁଛ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଆପକୋ ମିଲ ରହା ହେ କ୍ୟା ଆମନେ ସାମନେ ଇନ ଦୋନୋଁ କୋ ପୁଛତାଛ କିୟା ଜା ସକତା ହେ? जी बंदिता, देखिए अभी जिस तरह से डबल मर्डर कांड में जो है पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है और उनके जो वाहन चालक है बर्धन टोपो उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से वहां पर रीसीन क्रिएट किया गया था उसके बाद जो रायगढ़ पुलिस ने वो पृथक से पूछताछ की है बर्धन टोपो से। अब सभी कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और दोनों जो आरोपी हैं पूर्व विधायक और उसके ड्राइवर है जो वाहन चालक है उनको जो है न्यायिक रिमांड पर चूंकि जेल भेज दिया गया है तो इस तरह से जो सूचनाएं मिल रही हमारे जो सूत्र बता रहे हैं चूंकि ये जुडिशियल रिमांड पर हैं तो इसलिए पुलिस जो है आमने सामने उनको नहीं करा सकती और जैसे उनको पुलिस रिमांड जिस दिन पुलिस लेगी तो तब जाकर के आमने सामने बैठ करके उनको वेरीफाई किया जाएगा कि आखिर किसके बयान मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। लेकिन अभी दोनों को जेल दाखिल कर दिया गया है तो इसलिए जो पुलिस अलग से पूछताछ नहीं कर सकती उसके लिए उनको जो है पुलिस रिमांड लेना पड़ेगा। तो देखना यह होगा कि रायगढ़ पुलिस क्या उनको पुलिस रिमांड लेती है। और इससे भी अलग बात यह है कि जब बर्धन टोपो को कल जेल भेजा गया तो वो अपने साथ जो अपनी धर्म की जो किताबें हैं वो लेकर के बर्धन टोपो जेल के अंदर दाखिल हुए हैं।
तो पुलिस की अलग अलग टीमें हैं वो अभी भी काम कर रही है, क्योंकि ये दोहरे हत्याकांड का मामला है और काफी हाई प्रोफाइल मामला है, सनसनीखेज। जी, ये हाई प्रोफाइल केस में अभी इन दोनों को छोड़ के तीसरा किसी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है क्या, या फिर पुलिस के पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रहा है क्या कि कोई दूसरा कोई तीसरा पुलिस के स्कैनर में हो? जी बंदिता, देखिए अजीत सर से दोहरे हत्याकांड का ये मामला है और इसको उड़ीसा से ब्रिजराज नगर से यहाँ तक लाना और हत्या के बाद यहाँ पर प्लांट करना एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता और इसमें दो से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे इस हत्याकांड में। दरअसल आप जैसे भी जो पुलिस के जो सूत्र हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है, संभवतः 4 से 5 आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि 2 डेड बॉडी को एक जगह प्लांट करना, उसके बाद हत्या करके यहाँ पर लाना, उसके कुचलने का प्रयास करना, तो यही कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की संख्या और भी बढ़ सकती है। रायगढ़ पुलिस काफी गोपनीय तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर रही है और जिस तरह से यहाँ पर एक एक कर गिरफ्तार कर रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले को लेकर के रायगढ़ पुलिस काफी संजीदा है। वो आरोपियों के गिरेबान को पकड़कर यहाँ पर लाना चाहती है और जिसने इस तरह से जघन्य हत्याएं की हैं उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना पुलिस की पहली प्रायोरिटी है। उसके और एक चीज, जैसे रायगढ़ छत्तीसगढ़ पुलिस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को और ज्यादा जोरों से कर रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको लेके अभी उड़ीसा में 2 टीम भी हैं उनके, और जो गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, पहले बोलेरो का इन्वॉल्वमेंट आ रहा था, अभी उसके साथ इनोवा गाड़ी का भी एक इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है और उन दोनों गाड़ी को ढूंढने का प्रयास भी कर रही है पुलिस, तो उसको लेके कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है क्या आपको? जी देखिए, जिस तरह से जो है 2017 में दोहरे हत्याकांड हुआ था उसके एक साल बाद इस पूरे मामले का खुलासा जो है पहचान हुई थी मृतकों की, तो ये जहां पर ये हत्याएं हुई थी वहां पर बकायदा चक्रधर नगर पुलिस ने जो टायर के निशान थे उसके मेजरमेंट लिए थे, तो उस आधार पर पुलिस के पास अलग से पूरी पुख्ता जानकारी है कि वाहन जो वाहन के जो पहिए होते हैं उसका साइज क्या है, तमाम तरह की जानकारी है वो रायगढ़ पुलिस के पास उपलब्ध है, टोटल कॉल डिटेल्स हैं वो भी उनके पास उपलब्ध है, कहां पर मृतका को लाने से पहले वहां पर रखा गया था उसकी जानकारी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस बुलेरो की बात कही जा रही है कि वह उससे कुचला गया है तो उसके भी कागजात पुलिस खंगाल रही है, आरटीओ पर जो है उड़ीसा आरटीओ से भी संपर्क पुलिस करके सतत उसकी जांच कर रही है, तो कहा जा सकता है कि इसमें जिस तरह से खुलासा होंगे चौंकाने वाले खुलासे होंगे और रायगढ़ की जो पुलिस है वो अलग अलग टीमें बना करके अभी भी कार्रवाई कर रही है। जी बंदिता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल जी तमाम जानकारियों के लिए। हम प्रतिनिधि जुगल तिवारी थी आम सहित फोन लाइन ने सीधा सड़क जहां तथ्य रखुले, वर्तमान पुलिस निजर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को जोरसोर करी क्रम रायगढ़ पुलिस दुईट टीम वर्तमान झारसुगुड़ा और भुवनेश्वर रही पूरा तदंत प्रक्रिया को त्वरावित करुंट, कि डबल मर्डर में आउ किए संप्रति रही दुई जन द्वितीय व्यक्तिर संप्रक्ति रही कि नाही एवं द्वितीय गाड़ीर जो संधान मिली से नहीं कि मध्य पूरा छानबीन करुछि पुलिस। परवर्ती खबर को आसिबा, रहस्य घेर रे अष्टम श्रेणी छात्री कृतिका मिश्र मृत्यु घटना गतकाल भुवनेश्वर बीजेपी नगर में थी एक आपार्टमेंट चारिमहला छतर पड़ कृतिका मृत्यु होता। मृत्यु पूर्व कृतिका सोशियाल मीडिया एमि किसी पोस्ट करते जहाँक नहीं एवं सस्पेन्स लगी रही। मृत्यु पूर्व इनस्टाग्राम सांग चाट करते कृतिका बाय बाय पीपुल पोली पोस्ट करते जड़े सांग पचारे कड़े जाऊ यार उत्तर में कृतिका लिखी हेवेन। कृतिका एभली पोस्ट घटना को अधिक रहस्यावृत करपरिकी मुंडे इंग्राजी में परफेक्ट लिखाई तेबे किए काहीकि एपरि लेखिछि एजाए स्पष्ट होइनाही। कृतिका एक घर स्कूल अष्टम श्रेणी में पाठ पढ़ुते बड़गढ़ थाना पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु कर घटनार तदंत करुछि। सेपट तो आम तुम अढ़ीटा तीन टाइम से आसता आम मैडम को तो चिठी से अफिस जाए बाहर को आसने से टाइम नहीं चिठीटा दौनी तपत एपटू से दुकानदार कह रहे आउ किस्टा गोटे इलाप समस्त धाई आसवा देखा घटनाटा। चारिमहला विशिष्ट यही गीतांजलि आपार्टमेंट रे रोते
छात्री जनक निज बापा माँ सहित जहाँ प्रत्यक्षदर्शी कहते छात्री जनक जितेबाला छतपुर को आसते हाथ में गोटे कंडेई थी आ देखु म कैमेरा पर्सन कह कि दृश्य देखापी ये छात उपर देखूँ पखापाखि अढ़े फुट्र गोटे सीमेंटर कांथ भी रही तो यही जगार छात्री जनक खसी पड़वा निश्चित भाव कि सन्देह घर को आसूसी जिते बखापाखि दुई फुट्रु अधिक उच्चतार कांथ या बेले छात्री जनक किभली तौक खसी पड़े जहाँ सूचना सन्देह करा पुलिस मतलब सन्देह कर छात्री जनक बसी बेले से अन्यमनस्क हो पड़ते कहुच्छे कि से कह सहित कथबार्ता कि कंडे को धरी ये से बसी थपारती समय से तौक खसी पड़ते जो थे कि घटनास्थल ही जीवन चल जाता बर्तमान यो घटना को नहीं बर्तमान अनेक कथा सामना को आसूसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करुच्ची प्रकृत में किभली भाव छात्री जनकर मृत्यु होला असावधानता ना मृत्यु पचरे आउ किसी रहस्य रही जा कैमरा पर्सन बसंत रथों सह प्रवीर कुमार प्रधान न्यूज 18 ओडिया। रहस्य घरे अष्टम श्रेणी छात्री कृतिका मिश्र मृत्यु घटना गतकाली भुवनेश्वर बीजेपी नगर में एक आपार्टमेंटर चारिमहला छातर पड़ कृतिका मृत्यु होता किंतु परवर्ती समय इंस्टाग्राम रे जो पोस्ट गुड़े से पोस्ट को देखी रहस्य घेर रही पूरा घटनाक्रम बाय बाय पीपल बोली पोस्ट करते कृतिका और सांग जिते पचारे कड़े जाऊ कृतिका लिखी हेवेन एने की अधिक तथ्य पाई फोन लाइन अच्छा प्रतिनिधि प्रबीर प्रधान प्रबीर वर्तमान इंस्टाग्राम रही अद्भुत पोस्ट गुड़ी को देखी पुलिस कौन तर्जमा करुछि परिवार लोकंकर किछि रिएक्शन मिली पार्छि कि आपनकु देखंतु ना परिवार लोकंकर किछि रिएक्शन मिली पार्छि ना पुलिस तो किछि रिएक्शन मिली पार्छि बड़ कथा हला इंस्टाग्राम रे जहां से लिखिछि ताकु नै वर्तमान मीडिया ही इन्वेस्टिगेशन करुछि एवं अनेक प्रापन देखिबे जते बेले से तार मृत्यु होइतला मुंडरे कृतिका निजे लिखिछन्ति परफेक्ट लिखिंट परफेक्ट तापर ओलटा लिखिंट तो जना पड़ना प्रकृत मुंड कपाल कहीं लिखी परफेक्ट एवं परफेक्ट लिखार उद्देश्य कौन रहा आई जो परफेक्ट निजे लिखिंट ना मुंडे आउ किए लिखी से सब बड़ कथा है कि जड़े छात्री अष्टम श्रेणी छात्री कहीं लिखिले मुंडे परफेक्ट एवं परफेक्ट लिखार उद्देश्य कौन था से निजे लिखिंट ना आउ किए लिखिं ता सब बड़ क्वेश्चन बर्तमान सामना को आसी अनेपटे आप देखिए बर्तमान जेहेतु आज तक संस्कृत एग्जामिनेशन थिला आम बर्तमान स्कूल प्रिंसिपल प्रतिक्रिया नौ प्रकृत में आज तक संस्कृत परीक्षा थिला दिन है परीक्षा आरंभ होता आज तक संस्कृत परीक्षा थिला अनेपटे आप देखिए जदि इंस्टाग्राम कथा कह इंस्टाग्राम जना पड़ी किसी ना कि से गोटे विषाद भितर थे गोटे मानसिक और शारीरिक भाव कि गोटे से माने विषाद अवस्था थे जो जो पोस्ट लिखिं कि मु वर्तमान हवन को जाऊँ तो आर उत्तर सांगसाथी मैंने मागिंट प्रकृत कहीं घटना घटू आलोचना से इंस्टाग्राम करेणु जड़े छात्री अष्टम श्रेणी छात्री मृत्यु एवं मृत्यु पश्चिम रहस्य बर्तमान खोल दरकार अनेपटे आप देखिए जितेबाला जड़े झील को गोटे बोली झील बापा माँ गोटे बोली झील झील को हरला बापा माँ बोधे भांगी पड़ते कौन से परिवार लोक बोधे सामना को आसुना कौन है कौन ना जेहेतु जो जो दृश्य आप देखिपुट ट्विट जिते से इंस्टाग्राम लिखिं से इंस्टाग्राम जमा पड़ती किसी ना कि गोटे कृतिका सहित होती कृतिका जड़े मेधावी छात्री थे 90% मार्क भी रोला क्लास तो कृतिका मृत्यु ता आत्महत्या ना दुर्घटना जनित तो एपर्त स्पष्ट भाव हो पारे किंतु गोटे रहस्य रही जो रहस्य पर्दा हटा दरकार अनेपटे स्कूल कर्मचारी कहवा कथा है कि स्कूल कर्तृपक्ष कहवा कथा है कि जड़े मेधावी छात्र को छात्री को से हर स्कूल वर्तमान शोकाकूल परेश लगी रही जेहेतु आज एग्जाम भी चली पाने आज कंडोलेंस भी पाने जनई स्कूल तरफ आज कंडोलेंस भी जनई किंतु बंजित आप देखिए गोटे अष्टम श्रेणी छात्री इंस्टाग्राम में लिखा एभली पोस्ट करवा गोटे विषादग्रस्त जो पोस्ट निश्चित भाव कह पार मामला को रहस्य भितर को ठेली नौ बिल्कुल एमती अद्भुत पोस्ट वर्तमान रही जहाँकि इंस्टाग्राम रे देखा मिलूँ से नहीं पुलिस एवं परिवार लोके किसी भी प्रतिक्रिया रखुना किंतु जहाँ वर्तमान सोशल मीडिया रे से एक्टिव थिले एवं सोशल मीडिया रे जहाँ से पोस्ट करिछंती ताहा किछि ना किछि दिग को वर्तमान इंगित करुछि जहाँ से दिगर उपयुक्त तदंत होगा आवश्यक एवं क्यों कारण एमती मृत्यु घटना सामना को आसला ताहा आत्महत्या ना कौन दुर्घटना बशतः एमती